सो एसएससी सीपीएम पूछा गया क्वेश्चन जो कि इनकम और एक्सपेंडिचर से भी रिलेटेड है, और परसेंट परसेंटेज का यूज करेंगे, परसेंटेज में भी हम लोग फ्रैक्शन का जो यूज करते हैं, क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं उसका यूज करेंगे। तो एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कर लो। देखो फ्रैक्शन पहले करता हूँ, फिर मैं नॉर्मल बता दूंगा कि फ्रैक्शन के अलावा भी अगर आप चाहो तो सिंपल मेथड से भी कर सकते हो। यहाँ बोल रहा है एन एडिबल ऑयल, जो खाना पकाने वाला ऑयल होता है, वो जो होता है 25% से इंक्रीज होता है। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/4, यानी कोई भी सामान अगर 4 से 5 हो जाता है प्राइस उसका। ये प्राइस है, ठीक है, इस तेल का प्राइस है, जो कि पहले 4 था और अब क्या हो गया, 5 रुपया हो गया, ठीक है। टू मेंटेन दिस बजट, सुषमा जो है, सुषमा नाम की एक लड़की है जो कि रिड्यूस इस कंजम्पशन ऑफ दिस ऑयल, ये जो तेल होता है इसका कंजम्पशन घटा दिए। कितना परसेंट से घटाते हैं? 20%। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5, यानी कि 5 का एक क्या है, 20%, यानी कि पहले अगर वो 5 कंज्यूम करती थी तो अब वो 4 कंज्यूम करती है, ठीक है। 5 अगर पहले 5 कंज्यूम करती थी, 4 यूनिट, याद रखो। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे 100 और 125 भी लिख सकते हो। यहाँ पे 4 की जगह पे 100 और 125, जब डिवाइड करोगे तो 4 और 5 का रेशियो ही आएगा। फिर यहाँ पे भी 100 और 20% से घटा देती है, 100 और 80, और 100 80 को जब कटाओगे तो 5:4 का रेशियो आएगा। पहले जब वो खरीदती थी, जब उसके पास 4 रुपये था, तो वो 5 केजी खरीदती थी, तो उसके पास कितना था, 20 रुपया खर्चा होता था, ठीक है। और अब जब रेट बढ़ गया तो वो कितना खरीद रही, 4 केजी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, फोर पहले 5 यूनिट खरीदती थी और 4 यूनिट प्राइस था, ठीक है, सॉरी उल्टा हो गया, यानी कि 4 रुपीज पहले था, मान लो 5 केजी खरीदती थी, इतना लगता था, अब 5 रुपया हो गया और 4 यूनिट यानी कि 4 केजी खरीद रही है, तो 20 ही रुपया खर्चा हो रहा है। यानी कि जो खर्चा है उसका एक्सपेंस बिल्कुल नहीं घट रहा है, कोई भी नहीं घट रहा है, 0% का बढ़ोतरी हो रहा है एक्सपेंस में, या फिर घटोतरी हो रहा है, या फिर घट रहा है पैसा, तो 0% ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप यूनिट टर्म कोई भी मान सकते हो, कोई भी टर्म्स को, या इसमें आप रुपया मान सकते हो, ये प्राइस को डॉलर मान सकते हो, इसको केजी में, ग्राम में, लेकिन जो भी मानना एक जैसा मानना। अगर इन इसको केजी मानना तो इसको भी केजी में, इसको ग्राम में तो इसको भी ग्राम में, बाकी कोई भी 1 रुपया का ना इसको ज्यादा खर्चा पड़ रहा है, ना 1 रुपया ज्यादा कम देना पड़ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 62।